दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने बाबर के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं के माता का नाम महम बेगम था। हुमायूं ने अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में 1530 में शासन का कार्य भार ग्रहण किया। भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन जब आता है तो हम हुमायूं को याद करते हैं। 1535 में चित्तौड़ पर जब बहादुर शाह गुजरात के शासक ने आक्रमण कर दिया, उस समय रानी कर्णावती ने हुमायूं के पास पत्र और राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं ने भी मदन का आश्वासन दिया। उस हुमायूं के बारे में आइए हम गाते हुए अध्ययन करते हैं। मुगल वंशनी उडाली, मुगल वंशनी उडाली, बाबर ने यार 1530-23 वर्षी उत्तराधिकार, 1530-23 वर्षी उत्तराधिकार, 23 वर्षी हुमायूं को उत्तराधिकार, मुगल वंशनी उडाली बाबर ने यार 23 वर्षी हुमायूं को उत्तराधिकार, कलिंदर का युद्ध 31-32 तोरा, 64 का युद्ध भैले 39 में आ, कलिंदर का युद्ध 31-32 दौरा, 64 का युद्ध भैले 39 में आ, 40 कन्नौज गई रे, 40 कन्नौज गई रे शेरशाह से हार, 1530-23 वर्षी उत्तराधिकार, 1555 लाहौर 15 वर्ष बाद जीता ले, 1555 लाहौर 15 वर्ष बाद जीता ले, 56 में दीपन शाह इमारत से गिर ले, 13 वर्षीय कुंवर ने, 13 वर्षीय कुंवर ने लिया सिर भार, 1530-23 वर्षी उत्तराधिकार। हुमायूं बाबर का बेटा था, जो कि 1530 में 23 वर्ष के होते हुए उसने उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सबसे पहले उसने 1531 में कलिंजर का युद्ध जीता, 1532 में दौराहा का युद्ध जीता और 1539 में चौसा का युद्ध हार गया और 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया और हारने के बाद वह अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद करके किसी तरीके से बच गया। बचने के बाद एक भिस्ती के शरण में रहा और निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। 15 साल बाद पुनः संगठित होकर के उसने 1555 में लाहौर जीता और लाहौर जीतने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने शासन काल में उसने दीपन शाह नाम का एक नगर बसाया, दीपन शाह नामक एक इमारत बनवाई। दीपन शाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अकबर, जो कि 13 वर्ष का था, शासन का कार्यभार संभाल लिया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आपका
अकबर पर आएगा, देखना ना भूलें।